उससे हमारे फोटोज लेकर उसे व्हाट्सएप DP बनाकर हमारे जो रिलेटिव होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको मैसेज किया जा रहा है कि इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में हो, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए है, हम तुम्हें ऑपरेशन के बाद पैसे लौटाएंगे बोल के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ी लोग पैसे डाल चुके हैं, कई सारे लोग ऐसे मैसेजेस को डाउनलोड स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लेंट करने गए हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने कंप्लेंट ली है लेकिन FIR नहीं की है। पिक्चर्स यूज करके व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे को अपील करके पैसा जो है मांगा जा रहा है ऑपरेशन के नाम पे, कोई इमरजेंसी बता के। तो आप किसी के साथ भी ऐसा कोई केस हो रहा है तो पहले तो आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले सामने वाले को कंफर्म करें, डायरेक्ट उसको बात करें। बात करने के बाद ही अब देखिए, हेल्प करना किसी का सब अच्छी बात है, लेकिन कंफर्म करके किसी की हेल्प करें बिना जो फोटोज़ या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप ट्रांसफ़र ना करें। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई फ्रॉड होता है किसी की प्रोफाइल यूज़ करके, किसी भाई की या किसी फ्रेंड की, आप गलती से अगर कोई अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप इमीडिएटली नियरेस्ट साइबर क्राइम या पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करें। ये जो भी फ्रॉड हो रहा है IT एक्ट सेक्शन 66C 66D के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है, 3 साल की सज़ा हो सकती है। और साथ ही साथ IPC सेक्शन 415, 464, 419 के तहत भी इनके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। तो आप कोई भी जिसके साथ होता है इमीडिएटली इस ऐसे फ्रॉड्स को और स्कैम्स को आप रिपोर्ट करें। बिना तहकीक करें या बिना इंक्वायरी करें किसी के अकाउंट में पैसा ना डालें। जो भी आपसे पैसा मांग रहे हैं आप उनके अकाउंट में पैसा ना डालें। तो उसी के चलते हम लोगों ने एक बात ये भी कही थी कि बरोजे पीर मंडे 11 से 1 के दरमियान हम लोग साइबर क्राइम ऑफिस पहुंचेंगे, कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पर कंप्लेंट देंगे और FIR भी करेंगे। कर इंशाल्लाह इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि ताकि गुलबर्गा से जो है ये चीज़ उठेगी कि हिंदुस्तान भर में जो भी इस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, सोशल एक्टिविस्ट की आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके लोगों को ठगने का काम जो हो रहा है, तो उसके लिए उसकी मुखालिफत में गुलबर्गा से आवाज़ उठेगी और गुलबर्गा से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठी है। तमाम सोशल वर्कर्स ने आवाज़ उठाई है, हमारे रियाज खतीब साहब जो कि गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट है उनके जेरे सरपरस्ती में यहाँ पर कंप्लेंट दी गई, जो कि अजीम शेख के नाम से यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई है और इंशाल्लाह FIR भी इसमें होगा। और इसी के साथ हम लोग आपसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप तमाम भी ऐसे ठगों से, ऐसे ब्लफ करने वालों से, ऐसे धोखेबाजों से अलर्ट रहें, होशियार रहें। और किसी के भी नाम से अगर आपको आपके रिश्तेदारों से या फिर आपके मोहल्ले के एरिए के आपके शहर के कोई सोशल वर्कर के ID से या फिर उसकी फ़ोटो लगा कर आपको कोई मैसेज आता है तो आप बगैर इंक्वायरी किए उनके अकाउंट में पैसा ना डालें। गुलबर्गा शहर में 15 से 20 लोगों के साथ ऐसा वाकया हुआ है, उसमें एक बात नोटिस की गई कि एक सेम मोबाइल नंबर था और सबको एक ही बैंक अकाउंट नंबर दिया गया। तो ये जो मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बनाने पे जो प्रेशर डाल रही थी, जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसमें पूरी तरीके से फ्लॉप होती नज़र आ रही है। इसी का फ़ायदा एजुकेटेड बेरोजगार उठा रहे हैं, जो इनोसेंट आवाम है उनको लूटा जा रहा है। तो ख़ासकर गुलबर्गा शहर के नौजवान हर मसले में, चाहे कोई बीमार हो या कोई परेशान हो या किसी गरीब बच्ची की शादी हो या कुछ भी मसला हो, बढ़ चढ़ कर आगे डोनेट करते हैं अपनी कमाई में से। इमदाद जो ज़कात निकालनी होती है, जो जिसी के तरीके से जो जितनी उनकी ताकत है उस तरीके से मदद करते हैं, उसको नज़र में रखते हुए ये ठग लोगों को लूट रहे हैं। मैं तमाम गुलबर्गा शहर के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मेरे भाई को एक मैसेज आया था 2 दिन पहले कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे अमाउंट की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस में आया हूँ, मेरा नंबर लग रहा नहीं है, क्या आप मुझे 45,000 रुपये डाल सकते हैं, ये अकाउंट नंबर है करके शेयर किया था। तो मेरे भाई ऑलमोस्ट पैसे डालने वाले थे, तभी वो नेटवर्क इशू की वजह से पैसे चले नहीं गए। तो उस टाइम क्या करें, वो लोग डायरेक्टली मेरे को कॉल किए कि इतना गड़बड़ी क्या है, क्यों इतना पैसे तू पूछ रहे हैं। तो मैं बोला कि वो मेरा मैसेज नहीं है, तुरंत उसको ब्लॉक कर दो। शहर गुलबर्गा में नामचीन हस्तियों का नाम लेकर के, सोशल एक्टिविस्टों का नाम लेकर के जो ठगने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए आज हम लोग कमिश्नर ऑफिस साइबर क्राइम सेक्शन पहुंचे थे। यहां पर कंप्लेंट देने की जब बात आई, FIR की जब बात आई, तो सर्कल साहब ने कहा कि इस पर FIR नहीं हो सकता। काफ़ी बहस के बाद में जब वो FIR के लिए राजी होते हैं तो उसके बाद में हम लोग आपसे मुखातिब इसलिए हो रहे हैं कि हमने आज FIR की मांग की है ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई सोशल वर्कर का नाम लेकर के आपको कोई ठगे ना।
ये ठगने की बात कब से चल रही है, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जो बेरोजगारी पर ध्यान ज्यादा देती है, रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी का जो इंडेक्स बढ़ा रही है, वो सरकार आने के बाद से ठगने के तरीके निकल के आए हैं। जैसे OLX के नाम पर ठगा जाता है, फेसबुक के जरिए पुलिस कमिश्नर के अकाउंट को हैक किया जाता है, कमिश्नर ऑफ CPI के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर के अकाउंट को हैक किया जाता है, वैसे ऑफिशियल्स का अकाउंट हैक करके पैसे मांगे जाते हैं, तो सोशल वर्कर्स के भी अकाउंट को हैक करना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है।